Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the vegetative propagation. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बडिंग हाइड्रा और यीस्ट में कैसे होती है और पोटैटो में बडिंग कैसे होती है, ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन क्या होती है. ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा. ठीक है, तो आज हम करेंगे कि वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन प्लांट्स में कैसे होती है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन होती है. ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन होती है, ठीक है, वो लोअर प्लांट्स में होती है, लोअर प्लांट्स के पार्ट्स में होती है. लाइक लीव्स ले लीजिए, बर्ड्स हो गया, स्टेम हो गई, रूट हो गई प्लांट की. ठीक है, इन सब में वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन होती है. ठीक है, तो आपको वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द लोअर प्लांट्स अपने आप को वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बडिंग. बडिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी लीव और किसी भी चीज़ की जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स को हम कट करके मिट्टी में लगा सकते हैं. ठीक है, उसकी जगह पर ही एक न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा. ठीक है, बाय फ्यूजन. फ्यूजन में क्या होता है कि हम किसी भी एटम, कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे आप लीव ले लीजिए, रूट ले लीजिए और स्टेम ले लीजिए, उसका जो बीच वाला, उसका जो मिडल पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन होता है, उसे कट करके उसे मिट्टी में लगा देना है. ठीक है, फिर उसकी जगह पर एक न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा. ठीक है, इसे हम फ्यूजन कहते हैं. बाय थ्रू नेक्स्ट इज अ फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स की जो भी चीज़, एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने एक लीव ली, उसके हमने फ्रैग टुकड़े टुकड़े कर दिए छोटे छोटे और उसे हमने मिट्टी में लगा दिया. ठीक है, उसकी जगह पर फिर एक न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पोर्स. स्पोर्स मैंने आपको बताया था, स्पोर्स का मतलब क्या होता है, बीज. ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि बीज को हम मिट्टी में लगाएंगे तो उसकी जगह एक न्यू प्लांट अराइज होगा. ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, द लोअर प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली. जो लोअर प्लांट्स होते हैं वे अपने आप को वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बडिंग, बडिंग के थ्रू, फ्यूजन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और स्पोर्स के थ्रू. ठीक है, इसमें क्या होता है, हर एक पार्ट, जो प्लांट का हर एक पार्ट होता है उसमें यूज होता है. ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, लाइक मैंने आपको बताया था, इसमें हम रूट्स यूज कर सकते हैं, स्टेम यूज कर सकते हैं, लीव्स यूज कर सकते हैं, उसके जो लीव्स की तो बर्ड्स लगे होते हैं, बर्ड्स यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, इट विल टेक पार्ट इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये सारे ही स्टेम, लीव्स, रूट, बर्ड, ये सारे ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्ट लेते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप मैं आपको बताऊंगी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टाइप्स क्या होती है. अब हम करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टाइप्स कितनी होती है. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टू टाइप्स होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अभी मैंने सिर्फ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही डिस्कस किए. ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैं अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगी. ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन कितने तरह की होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन की जो नेचुरल टाइप होती है वो 7 टाइप्स की होती है. ठीक है, फर्स्ट क्या है, रूट्स. मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन में हम लोअर प्लांट्स यूज करते हैं. ठीक है, लोअर प्लांट्स में क्या आ जाते हैं, रूट्स, स्टेम, बर्ड्स, बल्बिल्स, लीव्स. ठीक है, ये सारे ही नेचुरली वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन में ही आते हैं. ठीक है, पहले एग्जांपल क्या होगी, रूट. रूट में हम किसके एग्जांपल दे सकते हैं, रूट में मैंने एग्जांपल दी है पोटैटो की. ठीक है, पोटैटो के ऊपर मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स लगे होते हैं. ठीक है, धीरे धीरे वो जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें से लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, बर्ड्स के बीच में से ही न्यू प्लांट अराइज होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, फिर हम उन्हें निकाल कर मिट्टी में लगा देते हैं. ठीक है, तो फिर वो ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, सेकेंड है अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम एक दो तीन, अंडरग्राउंड स्टेम 5 तरह की होती है, सकर्स, राइजोम्स, कॉर्न्स, बल्ब्स और ट्यूबर्स. ठीक है, सक्कर में एग्जाम्पल ली है, सक्कर्स में मिंट की एग्जाम्पल ली है, राइजोम में जिंजर की एग्जाम्पल ली है,
कॉर्न्स में बनाना के एग्जांपल लिए चिके, बल्ब्स के एग्जांपल आप लिख सकते हो अनियन, और ट्यूबर्स की एग्जांपल है पोटैटो। ठीक है, अभी तो जस्ट मैं सिर्फ आपको सबकी एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्यूरिंग्स, ठीक है। ट्यूरिंग्स की एग्जांपल होती है अट्रिकुलेरिया। क्या होती है? अट्रिकुलेरिया, ठीक है। क्रीपिंग स्टेम्स आगे फर्दर थ्री टाइप्स की होती है, रनर्स, स्टोलन्स और ऑफसेट्स, ठीक है। रनर्स की एग्जांपल होती है डॉग ग्रास, स्टोलन की एग्जांपल होती है स्ट्रॉबेरी, और ऑफसेट्स की एग्जांपल होती है पिस्तिया, ठीक है। नेक्स्ट इज एरियल स्टेम, ठीक है। एरियल स्टेम की एग्जांपल होती है अपंशिया। क्या होती है? अपंशिया। एरियल स्टेम की एग्जांपल होती है अपंशिया, ठीक है। क्या होती है? अपंशिया, ठीक है। लीव्स की एग्जांपल होती है ब्रायोफाइलम। बल्बिल्स की एग्जांपल होती है लिली, ठीक है। ये तो सारी थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के एग्जांपल। अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये होती क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल मेथड्स की टाइप्स क्या होती, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके सभी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। रूट्स आप सभी जानते हैं कि रूट्स का मतलब क्या होता है, जड़ होता है, ठीक है। रूट्स में मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी कि स्वीट पोटैटो और पोटैटोज की एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो के ऊपर बर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है। जो वो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो धीरे धीरे एक प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिन्हें हम लीफी शूट्स कह रहे हैं, आप कह सकते हो कि वो लीव्स में ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्ड ग्रोज इन द लीफी शूट्स, ठीक है। जो उसके बर्ड लगे होते हैं वो धीरे धीरे लीव्स की शेप में ग्रो होने स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। जिसे हम स्लिप्स कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, ये देख सकते हैं कि एडवेंटिशियस मतलब कि ये एडवेंटिशियस रूट्स होती है, ठीक है। ये जो रूट्स होती है ये एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं, ठीक है। जो रूट्स ग्रो होना स्टार्ट कर देती है एट द बेस, ये देख सकते हैं आपके ये बेस पर, पोटैटो के बेस पर ये एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो स्लिप्स, जो हर एक लीव, जो लीफी शूट वो एक पोटैटो पे ग्रो हुआ हुआ है वो एक न्यू प्लांट में अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ईच स्लिप्स राइज टू अ न्यू प्लांट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये लीफी शूट्स है, ठीक है। लीफी शूट्स धीरे धीरे अराइज होना स्टार्ट हो गए और अब ये यंग प्लांट में, अब एक न्यू प्लांट में बन चुकी है, ठीक है। और ये जो इसकी साइड्स पर है ये क्या है? एडवेंटिशियस बर्ड्स है, और ये जो नीचे है ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। तो ये थी कि रूट्स में मतलब रूट्स कैसे हम वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपने अपने एग्जाम्स में लिखना है कि रूट्स हम इसको वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं जब हम इसे सॉइल पर लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपने लिखना है कि जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो पोटैटो और स्वीट पोटैटो के ऊपर बर्ड्स लगे होते हैं वो लीव्स की शेप में ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम स्लिप्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, जो उसके एक्स्ट्रा रूट होते हैं, ठीक है, वो बेस पे अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो एज अ ग्रोन एज अ न्यू प्लांट, वो न्यू प्लांट की तरह ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बेस पर आप देख सकते हैं कि एक न्यू प्लांट में अराइज करना स्टार्ट हो गई है, जो कि एक पूरा यंग प्लांट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद जो स्लिप्स, जो उसके ऊपर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हुआ होता है, ठीक है, उसमें से एक न्यू प्लांट अराइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस प्लांट को हम कट करके सॉइल में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी, जो उसके फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के ऊपर ग्रो होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था रूट्स। कल मैं आपको बताऊंगी कि स्टेम्स क्या होते हैं।